वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस मवाना रोड मसूरी मेरठ। मैं तनु शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में। आई नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। अगर बात करें कोरोना की तो देश में वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार भी तेज हो रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 18 राज्यों में ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई। इनमें से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित पाए गए। यहां 18 अक्टूबर के बाद ये पहली बार हुआ कि जब एक दिन में 9000 से ज्यादा मरीजों की पहचान हुई। बुधवार को महाराष्ट्र में 9855 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 6559 लोग रिकवर हुए और 42 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की खौफनाक साजिश का खुलासा पुलिस ने चंद घंटों में कर डाला। इस कहानी के सारे पत्ते खोल दिए और अब मामला खुलकर पुलिस के सामने आया है। तफ्तीश और सबूत के आधार पर पुलिस ने सांसद के बेटे आयुष की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। आयुष के साले आदर्श ने सारी कहानी पुलिस के सामने अपनी जुबान में बयां की। उसने साजिश का खुलासा करते हुए उन लोगों के नाम भी पुलिस को बताए जिन्हें फंसाने के लिए आयुष अपनी जान पर खेल गया। कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने फोन करके बताया कि ताजमहल में बम रखा है जो कुछ देर में फट जाएगा। सूचना मिलने पर तत्काल ताजमहल के आसपास जांच की गई और सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल को ध्यान में रखते हुए ताजमहल को अचानक बंद कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने कॉल करने वाले नंबर को ट्रेस किया, जिसमें फिरोजाबाद का एक युवा पकड़ा गया और उसने बताया कि आर्मी भर्ती रद्द होने के कारण गुस्से में आकर उसने ये फेक कॉल किया था। देश में अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो इनके दाम दिन प्रतिदिन ऊंचाई छू रहे हैं और इस कीमत में बड़ा हिस्सा टैक्स का होता है। हर तरफ से आवाज उठने लगी है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाए और ऐसे में सरकार चाहे तो बड़े आराम से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती कर सकती है। इससे उसके राजस्व पर भी खास असर नहीं पड़ेगा। ICICI सिक्योरिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में UPSTF ने दो बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए दोनों बदमाशों का नाम वकील पांडे और अमजद है। ये मुठभेड़ प्रयागराज के नैनी थाना इलाके के एरल में हुआ है। पुलिस ने मौके से 30 जिंदा कारतूस और 9 mm की पिस्टल, खोखा और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तो आज के लिए इन बड़ी खबरों में बस इतना है। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।